हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल चौहान और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद ठाकुर जी। तो अभी हम हैं माउंट आबू में और अभी हम यहाँ पे एक धर्मशाला है वहाँ पे रुके हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो धर्मशाला कैसी है और यहाँ के कुछ रूल्स भी है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले उसके पहले मैं आपको एक वर्क अराउंड करा देता हूँ कि ये धर्मशाला कैसी है, क्या है, यहाँ के मैनेजर कौन है और ये कैसे चलती है, क्या नहीं, सारी चीज़ें। देख सकते हैं ये है बी पंचवटी धर्मशाला, इसी में हम रुके हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है और अगर यहाँ से जाएंगे तो आपको बाइक पार्किंग और कार पार्किंग सारी सुविधा मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्पेस है बाइक और कार पार्किंग के लिए। ये स्पेशली फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। चलिए अंदर, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या है अंदर। तो ये मेन गेट है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये रिसेप्शन है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मैनेजर साहब है। चलो आप उनसे बात करते हैं कि क्या क्या है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है सर? उर्विश भाई। अरे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, धर्मशाला के बारे में कुछ बता देंगे? ये नारायण भाई है, वो सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये आप मेन्यू देख सकते हो यहाँ पे कि कौन से रूम कितने कितने में अवेलेबल है। और ये स्पेशली फैमिली के लिए ही एलो है। यहाँ पे बैचलर्स मोस्टली ज़्यादा एलो नहीं होते क्योंकि नो स्मोकिंग एज वेल एज नो ड्रिंकिंग वाले होटल है। मैं आपको यहाँ से सबसे पहले ये दिखा देता हूँ ये कैसे है। ये है सीटिंग एरिया जहाँ पे आप अगर एक्स्ट्रा टाइम बिताना चाहो तो बिता सकते हो। देख सकते हो कि सोफा वगैरह सारी चीज़ें कैसे लगेंगे। यहाँ पे सब जगह पे फ्लावर पॉट और सारी चीज़ें सेट की हुई है। यहाँ के रूम्स वूम्स भी सब बढ़िया से, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रूम वूम सब सेट किए हुए हैं। यही है ना? भाई है जो हमें रूम वूम सब दिखाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के बाद सारे रूम और सब सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जल्दी ये आप देख सकते हैं कि ऊपर सारा कैसा, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा किया हुआ है। आप कहीं से भी आपको लगे ना नहीं कि ये धर्मशाला है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अभी हम ऑफ सीजन में आए इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा भीड़ होती भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे रहने देना एलो है ही नहीं। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ का ना नज़ारा भी बहुत अच्छा होता है। आपको कोई शोर शराबे भी ज़्यादा दिखेगा नहीं। मैं आपको दूसरे रूम्स भी दिखाता हूँ कैसे है कैसे नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये सुपर डिलक्स रूम है। ये आप देख रहे कितने बढ़िया तरह से इसको सजाया हुआ है। इसमें भी सारी चीज़ें हैं, विंडो है और उसके बाद एसी है। अगर यहाँ से दिखेंगे तो बाहर का पूरा व्यू दिखेगा हमें। खोल नहीं रहे शायद, ये आप देख सकते हैं सारे पहाड़ वहाड़ सब सारी चीज़ें ऐसे दिखती है। बहुत बढ़िया सारी चीज़ मैनेज की हुई है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वॉशरूम है, ये सुपर डिलक्स के लिए। इससे बढ़िया चीज़ आपको और कहीं पे भी नहीं मिल सकती। ये आप देख सकते हैं गाइस,
दोस्तों एक और चीज़ है, स्पेशल रूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो स्पेशली कपल्स के लिए है। जो भी कपल्स अगर यहाँ पे आते हैं उनको स्पेशल रूम चाहिए तो वो कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ वर्क अराउंड करके, अब एक बार ज़रूर देखिए। सेकंड फ्लोर पे है ये रूम, 302 करके है ये रूम। अगर आप यहाँ पे आओगे ऐसे ही डोर ओपन करोगे तो सबसे पहले है ये सीटिंग एरिया। यहाँ पे आप सीटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बाहर का लुक भी उठा सकते हैं। देखिए बाहर कितना अच्छा बढ़िया वाला वेदर है। उसके बाद ये सोफ़ा वोफा सब है आपकी सीटिंग के लिए, शांति से अगर आपको बैठना है, चाय नाश्ता करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका बेडरूम, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेडरूम है। दो कदम नीचे उतर के आना पड़ता है यहाँ पे के आने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी विंडो है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सीधा आपको रास्ता सारी चीज़ें मिल जाएगी, पूरा का पूरा बाहर का व्यू मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी पार्क है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हाँ हमारी गाड़ी कहाँ पार्क है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। पीछे का विंडो का व्यू भी पूरा का पूरा मिल जाता है। ये बढ़िया वाला रूम है। अगर आप कहीं पर कभी कपल में आते हो तो यहाँ पे आप ज़रूर ठहर सकते हो। मैं इसका लोकेशन वोकेशन सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं, यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना आपको।